ये आजादी के बाद बहुत इनिशिएशंस हुआ है लेबर लॉस में चेंजेस लाने के लिए, और बहुत लेबर लॉस में रिफॉर्म्स लाने का जो प्रयत्न भी हुआ है, लेबर लॉ सिंप्लीफिकेशन का, कोडिफिकेशन का भी बहुत प्रयत्न हिंदुस्तान में आया है। हम लोग सब लोग जानते हैं इस सिलसिला में 15th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस का बहुत प्रमुख भूमिका रहा है। तो 15th लेबर कॉन्फ्रेंस का 1957 में जो हुआ है बहुत सिग्निफिकेंट रोल 15th लेबर कॉन्फ्रेंस का रहा है, जो जो कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम वेजेस का एक साइंटिफिक तरह से होना चाहिए ऐसा एक प्रक्रिया 15th ILC ने देश को दिया है, जो अक्रेड बेस्ड फार्मूला के नाते आज जो मिनिमम वेजेस का कैलकुलेशन का जो सिस्टम लोग देख रहे हैं ये 15th ILC का ये देन है। उसी तरह 15th इंडियन फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर जो गजेंद्र गडकर जी का नेतृत्व में इंडिया में गठन हुआ है, उसके द्वारा भी बहुत सारे लेबर लॉस का जो सिंप्लीफिकेशन का या नया नया लेबर लॉस हिंदुस्तान में लाने का प्रक्रिया शुरू हुआ है। उसी तरह सेकंड कमीशन ऑन लेबर 2002 में जो रविंद्र वर्मा जी का नेतृत्व में जो गठन हुआ था उसमें सारे श्रम संगठनों का नेतृत्व रहा है, INTC रहा है, BMS भी था, सेवा इत्यादि ट्रेड यूनियंस उसमें भाग लिया था। हम लोग सब लोग जानते हैं हमारा जो ऑल इंडिया का नेशनल प्रेसिडेंट माननीय सज्जन आर्यन जी उस सेकंड नेशनल कमीशन का सदस्य भी रहे हैं, उनका नेतृत्व में सेकंड कमीशन ऑफ लेबर में जो बहुत सारे इम्पोर्टेंट विषयों का रिकमेंडेशन हिंदुस्तान दिया गया, आज बहुत सारे विषय हम लोग देख रहे हैं वो सेकंड नेशनल कमीशन का रिकमेंडेशन ऐसा हम लोग मानते हैं। कई विषयों के ऊपर भारतीय मजदूर संघ बहुत गहराई से उस समय 2002 में ही बहुत गहराई से चिंतन किया है। 8 विषय प्रमुखता से श्रम विरोधी लेबर पॉलिसीज नेशनल कमीशन में लाया गया जा रहे थे, उसके विरोध में माननीय सज्जन आनंद जी ने डिसेंट नोट भी उसमें दिया है। जो बाकी जो लेबर लॉस में जो कोडिफिकेशन के बारे में या सिंप्लीफिकेशन के बारे में तो सेकंड नेशनल कमीशन लेबर रविंद्र वर्मा जी के नेतृत्व में जो सुझाव सजेस्ट किया गया उसका हम लोग आह्वान किया है। इस सेकंड नेशनल कमीशन के लेबर के वो विषय के ऊपर कई विषय बारे में कई फोरम्स में इसमें चर्चा आया है। आज के जो स्थिति में लेबर लॉस के जो आज अमेंडमेंट के बारे में या लेबर लॉस रिफॉर्म्स के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट आज जो सोच रही है वो सेकंड नेशनल कमीशन का रिकमेंडेशन का बेस ऐसा हम लोग सब लोग जानते हैं। उसी तरह कई आज हम लोग देखते हैं लेबर लॉस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का भी बहुत इम्पैक्ट रहा है। हम लोग जानते हैं जो रक्तोकास एंड ब्रेड केस में जो मिनिमम वेजेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट रहा है वो जजमेंट के कारण ही जो मिनिमम वेजेस का रीशेपिंग हुआ हम लोग ऐसा मानते हैं। उसी तरह जस्टिस V.R. कृष्णा अय्यर का जो नेतृत्व में बेंगलुरु वाटर वर्क्स सप्लाई केस में जो इंडस्ट्री के बारे में जो डेफिनेशन दिया है इस विषय को लेकर भी कई इंडस्ट्रियल आईडी एक्ट में या प्रैक्टिस एक्ट में जो चेंजेस आया है हम लोग सब लोग जानते हैं। इस विषय के ऊपर आपके सामने इसीलिए मैं लगा रहा हूँ आज जो हिंदुस्तान में जो विषय आज लेबर लॉस है ये लेबर लॉस का पूरा बुनियादी ढांचा हमारा जो फ्रीडम फाइटर फ्रीडम मूवमेंट का हमारा जो नेशनल लीडर्स का जो वक्तित्व था उनका जो विचार था उसके आधार पर इंटरनेशनल कन्वेंशन के आधार पर या नेशनल कमीशन के आधार पर या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर या अनेक कमिटीज लेबर कमिटीज का गठन हुआ है उनके गठन के ऊपर जो रिकमेंडेशन आया है ये सारे विषयों को लेकर कई विषयों का प्रस्तावना आज लेबर लॉस के अंदर उस सभी लोगों इस सभीों का झलक हम लोग आज ये ट्रेड यूनियंस में हम लोग देख ट्रेड यूनियन एक्ट में हम लोग देख रहे हैं। जो आज जो हिंदुस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रमुखता से कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम लोग देखा है ये लेबर लॉस के बारे में बहुत सारे विषयों को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में वर्कमैन का प्रोटेक्शन के बारे में इक्वल वर्क इक्वल के बारे में या लिविंग वेज के बारे में उनका जो दूसरा विषय के बारे में आज हम लोग देख रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम लोग उसका झलक हम लोग देखते हैं। ऐसा पूरे विषय को लेकर आज पूरा जो हिंदुस्तान में जो जितने भी लेबर लॉस है हम लोग उसको दो भाग में देख सकते हैं। एक भाग है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो लाया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो एनैक्टमेंट करती है ऐसा लेबर लॉस है। अब जो और जितने भी हिंदुस्तान के स्टेट गवर्नमेंट है
राष्ट्र वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जितना भी लेबर लॉस लाया गया है उसको हम लोग दूसरा सेट में देखते हैं। आज सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रमुखता से जो आज इम्प्लीमेंटेशन में जो लेबर लॉस है लगभग 44-45 लेबर लॉस सेंट्रलमेंट के द्वारा एनएक्टेड लेबर लॉस है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एनएक्टेड लेबर लॉस भी हम लोग देखने से हम लोगों को ऐसा लगता है उसको तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग है सेंट्रलमेंट गवर्नमेंट द्वारा एनएक्टेड है वो केंद्र के द्वारा ही लागू होता है। उदाहरण के लिए अगर देखा गया तो लगभग उसमें 12 एनएक्टमेंट है, उसमें ईएसए एक्ट है केंद्र का गवर्नमेंट के द्वारा वो लागू गया एनएक्टमेंट है, वो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी वो इस केंद्र का द्वारा होता है। उसी तरह प्रोविडेंट फंड और मिसलेनियस प्रोविजंस का जो एक्ट है उसका भी केंद्र का द्वारा ही लाया गया है, वो केंद्र का द्वारा ही एनएक्टमेंट इम्प्लीमेंट होता है। उसी तरह माइंस एक्ट है, उसी तरह डाक वर्कर्स एक्ट है, ऐसा लगभग 12 एक्ट है केंद्र का द्वारा लाया गया होता है, ऐसा कानून है। उसी तरह कुछ लेबर लॉस है केंद्र का द्वारा लाया गया है और केंद्र इनका उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ऐसा एनएक्टमेंट भी है, माने ड्यूअल कंट्रोल रहेगा उसका, ऐसा 16 एनएक्टमेंट है। उदाहरण के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, इंटर स्टेट माइग्रेंट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है, चाइल्ड लेबर एक्ट है, मैटरनिटी एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है, ऐसा 16 एनएक्टमेंट है। इसका जो केंद्र का द्वारा लाया गया कानून है मारे इट इज बींग इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, सो ड्यूअल इसका इम्प्लीमेंटेशन का प्रोविजन है। उसी तरह तीसरा प्रोविजन है केंद्र का द्वारा लाया गया कानून है मगर इसका केवल इम्प्लीमेंटेशन एनफोर्समेंट विल बी मेड बाय द ओनली द स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा कानून लगभग 15 है। उदाहरण के लिए वो फैक्ट्रीज एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट है, बीडी एंड सिगार वर्कर्स का एक्ट है, ऐसा लगभग 16-15 एक्ट है। ऐसा ये 15 एक्ट केंद्र का द्वारा लागू गया एनएक्टमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन इज एनफोर्समेंट इज मेड बाई द स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा तीन तरह हम लोग जो केंद्र का द्वारा लाया गया लगभग 44-45 एनएक्टमेंट जो हिंदुस्तान में बहुत प्रमुखता से है, ऐसा तीन भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। चौथा भाग है वो स्टेट के द्वारा लागू गया लाया गया एनएक्टमेंट है और स्टेट ही उसका एनफोर्समेंट करती है। अगर स्टेट का एनफोर्समेंट एनएक्टमेंट देखा गया हिंदुस्तान में लगभग 200 एनएक्टमेंट है। ऐसा कुल मिलाकर केंद्र का और राज्यों का एनएक्टमेंट अगर देखा गया हिंदुस्तान में लगभग 250 का हम लोग हिसाब ले सकते हैं। इसका बहुत सेंट्रल और स्टेट के द्वारा रूल्स और रेगुलेशंस का जो फ्रेम करने का है दोनों भी करते हैं। ऐसे जो लेबर लॉस हिंदुस्तान में है आज इसमें कई तरह से आउटडेटेड लेबर लॉस है, डुप्लीकेशन भी है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का इम्प्लीमेंटेशन भी इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाता है या सेकंड नेशनल कमीशन का रिकमेंडेशन और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, ऐसे सारे विषयों को लेकर केंद्र सरकार ने कई बार इसको लागू करने के लिए ट्रेड यूनियन के साथ एक्सपर्ट्स के साथ कई बार ट्राइपार्टाइट मीटिंग बुलाया गया। इस ट्राइपार्टाइट मीटिंग में इसका जो सिंप्लीफिकेशन के बारे में, अमलगमेशन के बारे में या रेशनलाइजेशन के बारे में बहुत सारा सरकार ने चर्चा करके और इसको लागू करने का प्रक्रिया केंद्र का सरकार ने अभी शुरू किया। इस जो 44 लेबर लॉस बींग इम्प्लीमेंटेड एनेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इसको चार कोड में लाने का केंद्र के सरकार के द्वारा प्रयत्न हो रही है। ये चार कोड्स में जो लाने का ये 44 एनेक्टमेंट का जो सरकार का जो थिंकिंग है इसके बारे में दूसरा समाज संगठन उसका बहुत सारे विरोध कर रहे हैं और भारतीय मध्यस्थ संघ हमारा जो सिद्धांत है ये हम लोग इधर संघर्ष और संवाद, हम संघर्ष भी करेंगे संवाद भी करेंगे, इस विषय के ऊपर जो अच्छा विषय है उसको हम इन्वाइट करेंगे, जो बुरा विषय है हम विरोध करते रहेंगे, ऐसा हमारा थिंकिंग है। इसलिए हम लोग भारतीय मजदूर संघ के अलावा भी ट्रेड यूनियंस हम लोग देखा गया 2005 से कई हिंदुस्तान में कई बार हड़ताल हुआ, कई बार धरना कार्यक्रम हुआ, हम लोग भी मिलकर दूसरा समाज संगठनों के मिलकर भी कई आंदोलन कार्यक्रम में हम लोग भी भाग लिया। हर कार्यक्रम में एक मुद्दा रहता था, क्या मुद्दा है, हिंदुस्तान में जो लेबर लॉस है आउटडेटेड है, लेबर लॉस की इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए केंद्र के ऊपर राज्य सरकारों के ऊपर हम लोग दबाव लाना चाहिए, ऐसे विषय को लेकर हम कई बार हड़ताल भी करे आंदोलन भी करे
लगभग हर साल ये मुद्दा रहता था। जब विषय को लेकर जब हम लोग हड़ताल किया, अभी जो सरकार इसको जो हमारे ट्रेड यूनियन का डिमांड है और सेकंड नेशनल कमीशन का डिमांड है, फर्स्ट नेशनल कमीशन का डिमांड है, सुप्रीम कोर्ट का बहुत जजमेंट है, उसी तरह बहुत वेरियस कमिटीज का भी रिकमेंडेशन है, ये सारे विषय को वो मद्देनजर रखते हुए सरकार ने जब इसको कोडिफिकेशन करने का जो प्रयत्न कर रही है, दूसरा समूह संगठनों की तरफ से पॉलिटिकल रीजंस को लेकर इसका विरोध कर रहे हैं। इस चार कोडों में हम लोग जानते हैं प्रमुखता से बहुत पहला जो विषय कोड ऑन वेजेस, ये लगभग पार्लियामेंट दोनों सदनों में इसका पारित हुआ है और इसका रूल्स भी बन गया। रूल्स के बारे में आज ट्रेड यूनियन के सामने भी उसको अपना अपना विचार प्रकट करने के लिए सरकार ने लगाया है। इस कोड चार कोड ऑन वेजेस के बारे में ये लगभग ये फाइनल स्टेज में है। अभी रूल्स का अगर फॉर्मेशन होने के बाद इसका तय होना, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए लगभग सरकार ने एकदम प्रयत्न कर रही है। इसके ऊपर भारतीय मजदूर संघ की तरफ से हम लोग इसका स्वागत भी कर रहे हैं। कई विषयों को लेकर हम लोग इसका विरोध भी किया, कई बार इसके ऊपर सरकार से हम लोग भी चर्चा किया है, कौन सा प्रावधान के ऊपर इसमें चेंज करना चाहिए, कौन सा प्रावधान में उसमें ऐड करना चाहिए, ऐसा हम कई विषयों के ऊपर केंद्र का नेतृत्व में माननीय सज्जन नारायण जी और माननीय विजय जी के नेतृत्व में कई बार सरकार से मिलकर इस विषय को लेकर हम लोग इसको सुधार करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। हम लोग सब लोग जानते हैं कोड ऑन वेजेस में चार ट्रेड लेबर लॉस जो है प्रमुख ट्रेड लेबर लॉस को इसमें अमागर अल्गमेट करके इसको एक कोड में लाया गया है। पहला विषय उसमें है मिनिमम वेजेस एक्ट है, जो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का। दूसरा विषय है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, वो 1936 में लाया गया कानून है। तीसरा विषय है बोनस एक्ट है। चौथा विषय है इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट का जो कानून है। ऐसा जो चार विषयों को लेकर एक कोड बनने वाले है कोड ऑन वेजेस। ये कोड ऑन वेजेस में इसमें जो हमारा जो मुद्दा था पहले से, आज हम हिंदुस्तान में कई दिनों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, सभी वर्करों को मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए। आज जो मिनिमम वेजेस के बारे में हम लोग सब लोग जानते हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में केंद्र सरकार के द्वारा मिनिमम वेजेस तय होता है, राज्यों के तरफ से भी मिनिमम वेजेस तय होता है, जो शेड्यूल्ड लिस्ट है वो शेड्यूल्ड लिस्ट में जो वर्कर है उसी के लिए मिनिमम वेजेस का तय होता है, जो बाकी वर्कर है उनके लिए सोचने वाला नहीं है। वो किसी राज्य में 5 साल के बाद रिवाइज होता, किस राज्य में 10 साल के बाद रिवाइज होता, किस राज्य में मिनिमम वेजेस का जो डीए के साथ लिंकेज है न्यूट्रलाइजेशन का, कुछ राज्यों में और कोई का न्यूट्रलाइजेशन के साथ लिंकेज नहीं है। इस विषय में स्किल्ड ऐसे हाईली स्किल्ड ऐसे सेमी स्किल्ड वर्करों का भी प्रावधान है। ऐसे कई विषयों को लेकर इसका ट्रेड यूनियन का मतभेद भी है। सरकार के तरफ से कई बार प्रयत्न करने के बाद भी इसका कोई लाभ मिला। आज पहली बार हिंदुस्तान में मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में एक्टमेंट करने के बाद हम पहली बार देख रहे पूरा हिंदुस्तान में जो वेजेस कोड आने के बाद यूनिवर्सल कोड लागू होने, ये यूनिवर्सल इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। यूनिवर्सल इम्प्लीमेंटेशन माने ये जितना भी हिंदुस्तान में जितना भी लेबर है ये सभी वर्कफोर्स है, ये सभी लोगों को इम्प्लीमेंट होता। आज को जो स्थिति में 1948 के बाद आज तक ये मिनिमम वेजेस का इम्प्लीमेंटेशन का अगर रफली हम लोग देखा गया 7% ऑफ द वर्कर्स आर ओनली बेनिफिटेड बाय द मिनिमम वेजेस एक्ट। वेयर एज ये वेज कोड के बारे में अगर हम देखा गया इसको पूरा तरीके से इम्प्लीमेंट करने के बाद लगभग 100% वर्कर्स के यानी अनदर 90% ऑफ वर्कर्स आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड बाय दिस प्रोविजन। माने इट इज गोइंग टू बी यूनिवर्सल कवरेज इन द कंट्री। आज तक जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्करों को या दूसरे जो वर्करों को जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था ये सभी लोगों के लिए ये लागू होने वाला है। दिस इज हिस्टोरिकल एंड रेवोल्यूशनरी ये एक्ट, ऐसा भारतीय मजदूर संघ मानता है और इसको हम लोग वेलकम भी कर रहे हैं। दूसरा विषय है ये वेज कोड में भारत सरकार के द्वारा एक नेशनल फ्लोर मिनिमम वेज, नेशनल मिनिमम वेज ऐसा फिक्स होता है। नेशनल मिनिमम वेज जो डिसाइड होता है वो पूरे राज्यों को भी वो लागू करने का बाध्य होना पड़ता। आज के स्थिति में क्या है, बंगाल में जो वेजेस है तेलंगाना में नहीं है, तेलंगाना का जो वेजेस है केरला में नहीं है, ऐसे एक एक राज्य में एक एक वेज है। इसके कारण मालिक लोग क्या कर रहे हैं, जिस राज्य में तनख्वाह कम है उस प्रदेश में इंडस्ट्री लगाते हैं। बीडी वर्कर्स का क्या सिचुएशन है, तेलंगाना में बीडी वर्कर्स का वेज रिविजन हुआ, उनका तनख्वाह ज्यादा देना पड़ता, पूरा इंडस्ट्री बीडी मैनेजमेंट क्या कर दिया, पूरा वर्कर्स का काम ले जाके बंगाल में दे दिया।
माने आज वर्कर्स आर बिकमिंग अनएम्प्लॉयड, ऐसा सिचुएशन आगे नहीं रहेगा। जब हिंदुस्तान में, जब ऑल इंडिया में जो वेज डिसाइड होगा सभी राज्यों को वो लागू करने का जब बाध्य हो जाएगा, उससे कम इम्प्लीमेंटेशन करने का मौका नहीं रहेगा। सभी सारे वर्करों का जो एक्सपेक्टेशन का जो काम हो रही है ये नहीं होने का सिचुएशन रहेगा। उसी तरह डीए के बारे में हम लोग भारतीय मजदूर संघ के तरफ से इस विषय को हम जोरदार हम प्रेजेंट कर रहे हैं। और जो यूनिट्स के बारे में भी आज जो मिनिमम वेज में रूल्स में केवल 3 यूनिट के बारे में लेकर जो चल रही है, हम उसको 6 यूनिट ऐसा भारतीय मजदूर संघ मानती है। नेशनल अपना जो ऑल इंडिया नेशनल ऑफिस बेरस का नेशनल एग्जीक्यूटिव का निर्णय है 3 यूनिट के बजाय 6 यूनिट लेकर हमारा वेज कोटा वेज का डिसाइड होना चाहिए। उसी तरह मिनिमम वेज में और वेज कोड में अगर वो लागू नहीं करने से, वो लागू करने के जो बात है उसके बारे में इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी भी उसके लिए वर्कर्स को एनफोर्समेंट करने का लीगल एक्शन लेने का ट्रेड यूनियन को और वर्कमैन को भी ऐसा प्रावधान दिया गया। इसके कारण वेज कोड के बारे में सारे वर्करों की इसके बारे में बहुत लाभ होने वाला है ऐसा हमको लगता है। उसी तरह जो बोनस में इसे हम मानते हैं, आज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को कॉन्ट्रैक्ट बोनस नहीं मिलता, आज वेज कोड में प्रावधान है। जब बोनस एक्ट भी उसी कोड में आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का बोनस देने का जो अधिकार है वो वर्कर लेकर रहेंगे। सुप्रीम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा आगे चल के, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर सभी मिलकर सभी लोग अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को बोनस देने के लिए, वो लोगों का प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का लायबिलिटी होने के कारण सभी वर्कर्स को बोनस मिलने का एक मौका रहेगा। ऐसे कई विषयों को लेकर यूनिवर्सल एप्लीकेशन नेशनल लेवल में मिनिमम वेजेस, ऐसे आज जो 7% वर्कर्स इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, ये पूरा वर्कर्स को मिलने का प्रावधान है, ऐसे कई विषय वेज कोड में आने वाले हैं। अभी समय कमी के कारण विस्तार से मैं सभी विषय के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। ये बहुत बड़ा विषय है हिसार के लिए, इस इज द हिस्टोरिकल एंड रेवोल्यूशनरी चेंजेस ऐसा भारतीय मजदूर संघ मानते ही है और इसको हम वेलकम भी कर रहे हैं। और दूसरा कोड है, उसी तरह दूसरा विषय, दूसरा कोड में हम लोग जानते हैं लेबर कोड एंड सोशल सिक्योरिटी। ये लेबर कोड एंड सोशल सिक्योरिटी के बारे में लगभग 15 लेबर लेजिस्लेशन को मिलाकर ये कोड में लाने का भारत सरकार ने निर्णय किया है। 15 लेबर लॉस इंटीग्रेटेड इसमें बहुत प्रमुख से जो विषय है, ईएसआई एक्ट है, प्रोविडेंट फंड एक्ट है, मेटर्निटी एक्ट है, ग्रेचुटी एक्ट है, ऐसा जो प्रमुख अपना एक्ट है, ये सारे एक्ट इसमें मिलाकर इसमें हम इसको लागू करने वाले हैं। इस विषय को लेकर अभी ये लगभग ये 15 लेबर लॉस इसमें जब लागू हो जाएगा, उसी तरह जब वर्करों के लिए इस विषय को लेकर अब 15 जो सोशल सिक्योरिटी का जो विषय है, हम लोग जयपुर कन्वेंशन में हम लोग डिसाइड किया है, जयपुर कन्वेंशन में सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल जयपुर कन्वेंशन का अपना निर्णय है। आज का जो सिचुएशन क्या है, ईएसआई एक्ट वर्कर्स ईएसआई का जो बेनिफिट है कितने वर्करों को मिलता है, प्रोविडेंट फंड का जो बेनिफिट है कितने वर्करों को मिलता है, ये ग्रेचुटी एक्ट है कितने वर्करों को मिल रही है आज हिंदुस्तान में। ऐसा अगर आंकड़े लेते हैं, आज पूरा हिंदुस्तान में ईएसआई का बेनिफिट या प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट या दूसरा बेनिफिट हम लोग जो देख रहे हैं, आज ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ वर्कर्स आर बीइंग बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ दिस एनएक्टमेंट्स। आज हमारा जो निर्णय है, ये सोशल सिक्योरिटी का जो बेनिफिट ये सभी को मिलने का हम लोग जब निर्णय किया है पूरे हिंदुस्तान में, आज पूरे हिंदुस्तान में ये सोशल सिक्योरिटी का कोड आने के हिंदुस्तान में सारे वर्करों को इसका बेनिफिट मिलने वाला है ऐसा हम लोग मानते हैं। इस विषय को लेकर आप मोबाइल फिक्स करके रखिए मलेशम जी, आप मोबाइल मूव मत करिए, आप मोबाइल फिक्स करके रखिए, डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आप मोबाइल फिक्स कर दीजिए। अभी ठीक है सर, ठीक है। लेबर अभी इसी तरह जो विषय है, ऐसा जो सोशल सिक्योरिटी का विषय के ऊपर हमारा जो विषय है निर्णय है, जो जयपुर कन्वेंशन में भारतीय मजदूर संघ के जो निर्णय के कारण, निर्णय के बाद पूरा हिंदुस्तान में सोशल सिक्योरिटी का विषय को लेकर हम लोग पूरे हिंदुस्तान में ये इसको भी हम वेलकम कर रहे हैं। और इस विषय में भी कुछ विषय है उसका परिवर्तन करना चाहिए। इस परिवर्तन के लिए हम लोग भारत सरकार के साथ चर्चा भी कर रहे हैं हम लोग इसके ऊपर, और इसके ऊपर क्या क्या बदलाव लाना चाहिए हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इसमें मुख्य तरह केवल यूनिवर्सल कवरेज में सभी वर्करों को हिंदुस्तान में मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, पेंशन मिलेगा, सिकनेस बेनिफिट मिलेगा, डिसेबिलिटी बेनिफिट मिलेगा, मेडिकल बेनिफिट मिलेगा, ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगा,
फ्यूनरल एक्सपेंसेस मिलेगा, ऐसा 14 बेनिफिट्स पूरे हिंदुस्तान में मजदूरों को मिलने वाला है। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारक रहेगा सोशल सिक्योरिटी का ये लाने के बाद। उसी तरह जो आज अनार्टनेस सेक्टर वर्कर्स को लेकर हम लोग बहुत चिंतित है, लगभग 93% ऑफ द अनार्टनेस सेक्टर वर्कर्स जो आज हिंदुस्तान में है, और लगभग अगर आंकड़े में देखा गया मोर देन 43 crores ऑफ आवर वर्किंग फोर्स जो है अनार सेक्टर में, ये अनार्टनेस सेक्टर वर्कर्स सारे विषय से वंचित है। इन वर्करों के लिए कोई भी हम लोग सोशल सिक्योरिटी का कोई प्रावधान नहीं है, उनके लिए मिनिमम वेजेस का कोई प्रावधान नहीं है, बोनस का प्रावधान नहीं है, ईएसआई नहीं है, प्रोविडेंट फंड नहीं है, ग्रेचुटी नहीं है, बोनस नहीं है, ऐसे कोई विषय के ऊपर चर्चा नहीं है। महिला वर्करों के मेटरनिटी ऐसे कोई विषय नहीं है। आज पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा सोशल सिक्योरिटी का एक्ट जो कोड बनने के बाद 14 बेनिफिट्स के साथ एक जब यूनिवर्सल कोड जब यूनिवर्सल सिक्योरिटी का जो सिक्योरिटी एक्ट जो बन जाएगा सारे वर्करों को मिलने वाला है। इस विषय के लिए हम लोग पूरा भारत वर्ग के मजदूरों के तरफ से पूरा हिंदुस्तान के मजदूरों को हम लोग इसके तरह से भारत सरकार को भी कंग्रेचुलेट करते हैं। इसमें भी बहुत कमियां हैं, इस कमियों को दूर करने के लिए हम भारत सरकार से बातचीत कर रहे हैं। बहुत सारे जो विषय है कई बार हम लोग भारत सरकार के साथ हमारा वार्ता हुआ है, नॉट ओनली भारतीय मध्य संघ सारे केंद्र संगठनों को भारत सरकार ने अपने अपने विचार और इसके ऊपर विमर्श जो भी है बताने के लिए पूछा गया। दूसरा सिम संगठन बाहर बात करते हैं पर जॉइंट मीटिंग में ट्राइपार्टाइट मीटिंग में जाकर विषय प्रस्तुत करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते। केवल भारतीय मध्य संघ के तरफ से ये पूरा प्रयत्न हो रही है। इस विषय को लेकर अपने केंद्र कार्यालय में कुछ प्रमुख कार्यकर्ता डे नाइट इसके ऊपर चर्चा करते हैं, सभी एक्सपर्ट से भी बात करते हैं, लीगल एक्सपर्ट से भी बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट से भी बात करते हैं, सभी लोगों से बात करके एक वर्षा विमर्श ये विचार विमर्श करने के बाद अपना जो भारतीय मध्य संघ के विचार को लेकर ये प्रस्तुत करके भारत सरकार के सामने अच्छे से अच्छा एक सोशल सिक्योरिटी कोड हिंदुस्तान में लाने का प्रयास भारतीय मध्य संघ से हो रही है। इसी विषय को लेकर हम लोगों को बहुत खुशी है, आनंद है आप लोगों के सामने रखने के लिए। ये जल्दी से जल्दी हो जाएगा ऐसा मैं समझता हूँ। उसी तरह तीसरा विषय जो है आज जो विषय हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तीसरा विषय इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में बहुत तीन कोड इसमें तीन एनैक्टमेंट जो है, जो ट्रेड यूनियन एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट, ये तीनों ही प्रमुख एक्ट इसमें हम लोग इसमें अमालगमेट करने के लिए सरकार ने सोच रही है। ये तीनों प्रमुख ट्रेड लेबर लॉस को अमालगमेट करके ये IR कोड के नाम से आने वाला है। ये IR कोड में भी हम लोग जानते हैं आज कई विषय है ट्रेड यूनियन को लेकर। आज ट्रेड यूनियन फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, ये ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में लाया गया। आज ट्रेड यूनियन में अगर रजिस्ट्रेशन करने के लिए अगर ट्रेड यूनियन ऑफिस में हम लोग दफ्तर में अपना अगर एप्लीकेशन देखते हैं वो कब रजिस्ट्रेशन होता पता नहीं है। हम लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ, हैदराबाद में हम लोग ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट को जाके हाईकोर्ट से डायरेक्शन को लाके यूनियन रजिस्ट्रेशन करने का हम लोग प्रयत्न किया कई विषयों में। माने एक छोटा सा यूनियन रजिस्ट्रेशन करने के लिए लेबर डिपार्टमेंट और मालिकों के साथ सांठगांठ रहने के कारण, लेबर मिनिस्टर और लेबर और इंडस्ट्री के साथ सांठगांठ रहने के कारण वर्करों का जो बेसिक राइट है आजादी के पहले 1926 में जो लाया गया ट्रेड यूनियन एक्ट को इम्प्लीमेंट करने का आज सिचुएशन बहुत गंभीरता से है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। ऐसे विषय को लेकर ऐसे ट्रेड यूनियन लोग आज कोर्ट को जाने के लिए बहुत ये हम लोगों को जाना पड़ता, ऐसा कितने वर्कर लोग जा सकते। इसलिए आज जो भारतीय मजदूर संघ का जो विचार है, जो भारतीय मजदूर संघ का जो निर्णय है, इस विषय को लेकर भारतीय हम लोग सरकार के सामने प्रस्तुत किया है, ये भी विशेष में लाया गया। आज IR कोड आने के बाद ये बहुत प्रमुख विषय क्या है, 45 डेज के अंदर डीम्ड रजिस्ट्रेशन लेबर डिपार्टमेंट से मिलेगा। माने अगर हम लोग एप्लीकेशन दायर करते हैं ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेड यूनियन के सामने, वो 45 डेज के अंदर अपना यूनियन रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। अगर 45 डेज के अंदर अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं होती है ये ऑटोमेटिकली डीम्ड रजिस्ट्रेशन माना जाता। माने ये हिस्टोरिकल कदम है, माने सामान्य विषय नहीं है। आज ट्रेड यूनियन का पूरा प्रोटेक्शन होने का ये इससे आने वाले दिनों में वर्करों को ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन करने का कोई कठिनाई नहीं रहेगा, ऐसा हम लोग मानते हैं इस विषय को लेकर। उसी के तरह
आज कंसिलेशन ऑफिसर्स है, जब हम लोग कोई विषय को लेकर लेबर डिपार्टमेंट के बारे में सामने जब जाते हैं तो कोई अधिकार नहीं है। लेबर डिपार्टमेंट बिकम ए लेबर डिपार्टमेंट, ये लेबर डिपार्टमेंट अधिकारियों के पास कोई हथियार नहीं है। ऐसे सिचुएशन में बीइंग ए कंसिलेशन ऑफिसर, आज लेबर डिपार्टमेंट को मैनेजमेंट लोगों को पूरा डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने के लिए, अटेंडेंस प्रोड्यूस करने के लिए, वो कंपेल करने का अधिकार भी आज इस प्रावधान में आईआर कोड में लाने का प्रयत्न हो रही है। उसी तरह आज हम लोग देखते हैं चैप्टर 5 बी में, अगर किसी चैप्टर 5 में किसी वर्कर का रिट्रेसमेंट होता है 15 दिन का रिट्रेसमेंट कंपनसेशन मिलता। आजकल ग्लोबल जीएल हिंदुस्तान में ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का जो दौरा शुरू हो गया जीएल, ये इसका बाद बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही है। छोटे छोटे कारखानों का आज रहेगा कल नहीं रहेगा, ऐसा सिचुएशन आ गया। ऐसा सिचुएशन में कई इंडस्ट्रीज में आज ऐसा अगर दुर्भाग्य से कोई कारखाना बंद हो जाएगा वर्करों को, ये आईआर कोड आने के बाद 45 डेज रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन देना पड़ेगा, ऐसा सरकार के तरफ से इसमें प्रावधान लाया जाए ला रही है। इस विषय को भी हम लोग आह्वान करते हैं, बहुत अच्छा विषय है। ऐसा कई विषय इसमें आईआर कोड में आने वाले हैं। हमारे वर्करों के एंटी वर्कर का भी कुछ विषय इसमें है, मगर हम लोगों का विरोध कर रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ का अथक प्रयास के कारण कई विषयों को लेकर भारत सरकार के साथ हम लोग चर्चा कर रहे हैं और विषय को उस समाधान लाने का भी प्रयत्न हो रही है। मैंने कहा था भारतीय मजदूर संघ का सिद्धांत है संवाद और संघर्ष है, अगर सही तरीके से नहीं सुनेगा हम इसको संघर्ष करने के भी रेडी रहेंगे। मगर बहुत सालों से जो वर्करों को आउटडेटेड कानून के साथ जो समस्या गुमत उनको लेकर गुमराह पड़ रहा है, ऐसा समाधान मिलने का प्रयास इस कोड के कारण भी मिलने वाला है। ऐसा भी इस विषय को लेकर हम लोग वेलकम करते हैं और कुछ विषय को लेकर और सरकार के साथ और भी चर्चा करना है और इसमें कुछ चेंजेस भी करने का है। विषय को लेकर भी हम लोग सरकार से हम लोग चर्चा करेंगे। और चौथा जो कोड है लेबर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, ये लेबर कोड ऑन सेफ्टी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस के बारे में लगभग इसमें 13 कानून मिलके एक कानून होने वाले हैं। ये 13 कानून में हम लोग जानते हैं फैक्ट्रीज एक्ट है, माइंस एक्ट है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट है, डॉक वर्कर्स एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है और इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट है और बीडी वर्कर्स, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट 13 कानूनों को मिला के लेबर कोड एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन के बारे में ये कोड बनने वाले है। इस कोड के बारे में वो अभी ये बहुत अभी पार्लियामेंट में भी पेशिश करने का है, तो इस विषय को लेकर हम लोग भी बहुत चर्चा कर रहे हैं। इसमें कई विषयों को लेकर भारतीय मजदूर संघ की तरफ से विचार विमर्श हो रही है। इस विषय को लेकर हम लोग क्या क्या विषय सुधार करना चाहिए हम लोग भी इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग जानते हैं फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में, फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में, माइंस एक्ट के बारे में, बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट में, लेबर कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में जो विषय है, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में हम लोग देखा है। अभी COVID-19 इम्प्लीमेंटेशन के बाद कई वर्कर्स अपने अपने राज्यों में अपने अपने अटक गए थे, अपने स्टेट गवर्नमेंट स्टेट में जाने के लिए कोई मौका भी नहीं था, कई वर्करों को पैदल घूमना पड़ा जाना पड़ा, कई वर्कर्स का उनका देहांत हुआ रेल पटरी के ऊपर, ऐसा गंभीर सिचुएशन हम लोग देखा है। ऐसा सभी विषयों को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने सरकार के सामने प्रस्ताव लगा है। जो माइग्रेंट एक्ट के लिए कोई राज्य सरकार जो होम स्टेट है और रिसीविंग स्टेट है, जिस स्टेट से मजदूर जाता है, जिस स्टेट में जाके काम करता है, दोनों राज्यों को इसमें जिम्मेदारी करना चाहिए, ऐसे विषय को लेकर हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। ऐसे इस विषय को अभी तक जो आजकल जो एक शेयर किया उसको रिमूव कर दो। अरुणाचल प्रदेश के लोग यांगफो, आप लोग कुछ नहीं करते भैया, रिमूव करो इसको। अरुणाचल प्रदेश का अनाउंस लोग ज्यादा आया है, उसको नया लोगों को बुला दिया, वहां समझ में नहीं आया, इसलिए कोई शेयर मत करना। चलो कृपया मलेशम जी आप कंटिन्यू करिए, ये शेयर करने के समय में मेन स्पीकर कट हो गया।
सभी सभी मैं महानुभावों से रिक्वेस्ट करता हूँ, कल केवल केंद्रीय कार्य समिति लोग आया है, हमने दो लोगों को इनवाइट किया है, माननीय हसुभाई जी, माननीय अमरनाथ डोगरा, इसको छोड़ के कल बाकी किसी को नहीं आने देना, संबंधित प्रांत लोगों ने बोल देना है। मल्लेश्वर जी आगे सर, तो प्लीज प्लीज आप कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करिए सर, सॉरी सर, क्षमा करिए। अभी ओके ना सर, ये स्कोर के ऊपर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसके ऊपर अभी अभी वो अभी सरकार के सामने जब विषय आएगा इसे को लेकर हम लोग आगे क्या क्या करने अभी लोग करने वाले हैं। ऐसा ये लेबर कोड एंड सोशल सिक्योरिटी के बारे में मैं आपको विषय बताया। अभी अंत में हम लोग जानते हैं ये कोर्स कोडिफिकेशन के बारे में, और ये नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद 2014 से लेकर अभी तक कई विषयों का जो लेबर रिफॉर्म्स में लेबर लॉस में जो चेंजेस लाया गया हम उसको स्वागत भी करते। हम लोग जैसा भी हम लोग देखा है कोविड-19 के बारे में कुछ राज्य सरकारों के द्वारा कई लेबर लॉस में अमेंडमेंट करना या सस्पेंशन ऑफ लेबर लॉस करने का प्रयत्न कुछ राज्य सरकार ने किया है, उस विषय को हम लोग खंडन किया है, देश भर में आंदोलन भी किया है। उसी तरह जो अच्छा विषय भारत सरकार के द्वारा प्रयत्न हुआ है उसका भी हम लोग स्वागत किया है। हम लोग जानते हैं मैटरनिटी एक्ट के बारे में, जो मैटरनिटी एक्ट 1961 में जब लाया गया अभी तक 1961 से लेकर अभी तक इसका कोई चेंजेस नहीं हुआ। पहली बार नरेंद्र मोदी जी का सरकार आने के बाद आज जो मैटरनिटी एक्ट में जो वर्कर जो महिला लोगों को जो लीव का जो प्रावधान है 12 वीक्स का जो लीव का जो प्रावधान है इस सरकार ने उसको 26 डेज किया है। ये हिस्टोरिकल कदम है मैटरनिटी एक्ट का, जो 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 अमेंडमेंट ऑफ द मैटरनिटी एक्ट के बारे में हम लोग इसका स्वागत किया है। उसी तरह बोनस एक्ट के बारे में, बोनस एक्ट 1965, बोनस एक्ट में हम लोग जानते हैं 1965 में बोनस एक्ट आया, बहुत बार इसमें बोनस एक्ट में भारत सरकार के द्वारा इसका अमेंडमेंट हुआ है, जो सीलिंग कैलकुलेशन सीलिंग के बारे में हो या पेमेंट के बारे में भी हो वो बहुत सारे अमेंडमेंट हुआ। पहली बार हिंदुस्तान का आजादी हिंदुस्तान में पहली बार ये हिस्टोरिकल डिसीजन है जो 3500 का जो कैलकुलेशन लिमिट है उसको 7000 किया गया। उसी तरह उसको जो पेमेंट एलिजिबिलिटी है 10,000 रुपये मिलने का जो बोनस है 21,000 किया गया। उसी तरह आज हम लोग देखते हैं जो 20% का बोनस के बारे में या 8.3 के बारे के बोनस के बारे में उसमें जो आज 3500 से 7000 करते हुए एक विषय ने भारत सरकार ने जोड़ा मिनिमम वेज ऑफ द शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट विच एवर इज हायर ऐसा एक शब्द प्रयोग किया। इसके कारण आज नॉट ओनली 7000 उसके ऊपर स्किल्ड सेमी स्किल्ड हाईली स्किल्ड अपना अपना जो मिनिमम वेजेस के हिसाब से उनका जो बेसिक वेजेस है उसके ऊपर कैलकुलेट करने का बाद आज बोनस एक्ट में प्रावधान पहली बार हिंदुस्तान में ये बोनस एक्ट अमेंडमेंट के कारण हुआ है हम लोग मानते हैं। उसी तरह जो मिनिमम वेज का जो केंद्र द्वारा जो इम्प्लीमेंट होता है हम लोग देखा है पहली बार 246 रुपीस रहा कई सालों से, पहली बार भारत सरकार ने उसका 350 रुपये किया है। उसी तरह हम लोग देखते हैं प्रोविडेंट फंड में भी इसका बहुत चेंज हुआ है, वो जो मिनिमम पेंशन के बारे में 25 रुपया 30 रुपया 50 रुपया ऐसा मेंशन बीड वर्कर्स को मिलता था जो ईपीएफ का जो पेंशन मिलने वाले महिला लोगों को, पहली बार ईपीएफ में जो अमेंडमेंट सरकार ने लाया है मिनिमम पेंशन 1000 रुपये लाने का इस सरकार के द्वारा किया है, हम इसको स्वागत करते हैं पर उससे हम संतुष्ट नहीं है। आज प्रोविडेंट फंड का जो मिनिमम पेंशन 5000 होना चाहिए और डीए के साथ लिंक भी करना चाहिए यह हमारा मांग है, पर कुछ उसमें हम लोग परिवर्तन कुछ कर पाए, बहुत सालों से भारतीय ट्रेड यूनियन का डिमांड था कभी नहीं हुआ, पहली बार उसमें कुछ परिवर्तन लाए। उसी तरह ईडीएलआई में जो पीएफ में ईडीएलआई एक्ट 1976 जो स्कीम है ईडीएलआई स्कीम में उसमें 3,50,000 रुपये का एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम में मिलता था, पहली बार जो हिस्टोरिकल किया गया उसका 6,00,000 रुपये इंक्रीज करने का प्रयत्न भारतीय मजदूर संघ ने किया है। आज किसी वर्कर का अगर देहांत हो जाता है उस परिवार को आज ईपीएफ का जो मेंबर है प्रोविडेंट फंड का ईडीएलए के स्कीम के अंदर बेस्ड ऑन इज डिपॉजिट इन द स्कीम मिनिमम 2.5 लाख मैक्सिमम 6 लाख मिलने का प्रावधान लाया गया। इसके पहले 2.5 लाख का
मिनिमम गारंटी कोई प्रावधान नहीं था। अपने सीपीटी मेंबर्स श्रीमान ब्रिजेश जी, जगदीश्वर राव जी और सभी दूसरे लोग अपना सभी लोग मिलके बाने सूर्य जी तीनों मिलकर इसको बढ़ाने का प्रयत्न अपने अपने भारतीय मजदूर संघ का प्रतिनिधि के द्वारा हुआ है। उसी तरह हम लोग जानते हैं कई प्रमुख विषयों के ऊपर भारतीय मजदूर संघ का प्रयत्न के कारण ये हुआ है। मिनिमम वेजेस अमेंडमेंट हुआ, मेटरनिटी एक्ट में हुआ, बोनस एक्ट में हुआ, ईपीएफ में हुआ, ईएसएस का जो सीलिंग था 15,000 का जो सीलिंग था वो 21,000 करने का भी प्रयत्न भारतीय मजदूर संघ से हुआ है। ईएसआई में और एक बोर्ड ये इंपॉर्टेंट किया है भारतीय मजदूर के कारण। ईएसआईसी में ओनली वेर एवर द ईएसआई स्कीम वाज इंप्लीमेंटेशन करते थे, ओनली वेर एवर द स्कीम डिक्लेयर्ड जो दायरा में स्टेट डिस्ट्रिक्ट में ही उसका इंप्लीमेंटेशन होता था। आज ऐसा नहीं है, जो हिंदुस्तान में पूरा हिंदुस्तान में यूनिवर्सल इंप्लीमेंटेशन का भी एक निर्णय भारतीय मजदूर संघ से तरफ से हुआ है। आज पूरा हिंदुस्तान में यूनिवर्सल इंप्लीमेंटेशन का प्रयत्न हो रही है। अगर ये अभी इसका और इसका कदम और आगे बढ़ने का भी प्रयत्न भारतीय मजदूर संघ से तरफ से हो रही है। इस तरह बहुत क्रांतिकारक बहुत सालों से जो निर्णय नहीं हुआ था उसका विश्व विषय को चेंज करने का प्रयत्न भारतीय मजदूर संघ से हो रही है। ऐसे कई विषय है इस तरह जो अच्छी तरह अच्छा विषय भारतीय मजदूर संघ के तरफ से हम लोग स्वागत भी कर रहे हैं। अभी जो हाल में जो COVID-19 के नाम पे भारत सरकार के तरफ से या दूसरे राज्यों के तरफ से अभी जो लेबर लॉस में अमेंडमेंट करना या सस्पेंड करने का जो प्रयत्न हो रही है उसका हम खुलकर हम लोग विरोध किया है। देश भर में हम लोग पूरा जिला कलेक्ट्रेट के सामने भारत इंडस्ट्रियल स्टेट्स में हम लोग इसके ऊपर खिलाफ धरना किया। भारत सरकार को हम लोग निमंत्रण उसका हम लोग विज्ञापन दिए। जो राज्यों में यूपी में कुल मुख्यता से लगभग 30 लेबर लॉस यूपी गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ के सरकार के द्वारा उसको तीन साल के लिए माने 1,000 दिन के लिए सस्पेंड करने का प्रयत्न किया गया। माने बहुत गंभीर विषय है, 30 लेबर लॉस में बहुत प्रमुख विषय है। प्रैक्टिस एक्ट भी है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पे एक्ट भी है और ट्रेड यूनियन एक्ट भी है। अगर एक बार पूरा ट्रेड यूनियन का अगर ट्रेड यूनियन एक्ट भी खत्म हो जाएगा, आईडी एक्ट भी खत्म हो जाएगा, ट्रेड यूनियन का कोई मान्यता नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग खुलकर इसका विरोध किया है। उसी तरह मध्य प्रदेश के सरकार के तरफ से प्रैक्टिस एक्ट और कुछ एक्टों में सस्पेंड करने का जो विरोध किया है हम लोग भी उसका विरोध किया है। गुजरात सरकार के तरफ से जो भी वो भी सस्पेंड करने का जो प्रयत्न किया उसका भी हम लोग विरोध किया है। नॉट ओनली भारतीय जनता पार्टी के तरफ से रूल स्टेट, नॉट ओनली बीजेपी लेड गवर्नमेंट्स, जो कांग्रेस का जो रूल स्टेट्स है राजस्थान सरकार ने किया है, कोई वर्किंग आवर्स प्रैक्टिस एक्ट के अमेंडमेंट करके वर्किंग आवर्स बढ़ाने का जो प्रयत्न किया पंजाब सरकार से तरफ से हुआ, उड़ीसा सरकार के तरफ से हुआ। ऐसे लगभग 14 राज्यों में कई लेबर लॉस को अमेंडमेंट करना, सस्पेंड करना, वर्किंग आवर्स को इंक्रीज करना, ओवर टाइम पेमेंट जो मिलने का है वर्कर्स को अंडर वो फैक्ट्री सेट के हिसाब से वो नहीं मिलने का प्रोविजन लगाना, ऐसा वर्कर एंटी वर्कर्स का जो निर्णय है सरकारों का इसका हम खुलकर विरोध भी किया है। इस पूरा विषय में हम लोग भारतीय मजदूर संघ के तरफ से पहले से हम लोग सक्रिय है। भारतीय मजदूर संघ के तरफ से हम लोग ये विषय बता रहे सरकार को, सरकार केंद्र में कोई भी सरकार हो रहने दीजिए, ये मजदूरों के हित में जो सरकार काम करती है, मजदूरों के हित में जो नीति रहती है सरकार की, उस नीति का हम लोग आह्वान करते हैं, वेलकम करते हैं। जिस सरकार मजदूरों के खिलाफ या मजदूरों के एंटी वर्कर्स का जो स्टैंड लेती है हम खुलकर उसका विरोध भी करते हैं। ऐसा विषय को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। इसी के कारण हम लोग प्री इंडिपेंडेंस के एक्ट जो देखे हम 1919 में ILO का गठन के बाद जो लेबर लॉस हिंदुस्तान में लाया गया जो ब्रिटिश राज के समय में लेके, उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के नेतृत्व में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो उनका जो निर्णय था वो कई विषय उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लाने का प्रयत्न किया। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो वर्कमैन का जो प्रोटेक्टेड है आज हम लोग देखते हैं अंडर आर्टिकल 14 वो 15 16 या 19(1)(c) या दूसरे विषय में आज जो देखते हैं लिविंग वेज के बारे में, इक्वल वर्क इक्वल के बारे में, कई विषयों को लेकर आज कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग झलक देखते हैं मजदूरों का जो प्रोटेक्शन करने के लिए। पर ये विषय जो है फिर लेबर लॉस में भी कन्वर्ट करने के भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के नेतृत्व में ये सभी विषय हुआ है। ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बाद जो आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो अर्ली इंडिपेंडेंस के बाद जो जो हम लोग लेबर लॉस हम लोग देखते हैं वो भी हम लोग
बताया गया। ऐसे सारे विषयों को लेकर हम लोग इस हम लोग की एक स्पष्टता होना चाहिए। जो लेबर लॉस आज आउटडेटेड है, जो आउट आज लेबर लॉस जो है मेड इंप्लीमेंटेड ओनली टू द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स, 7% 8% वर्कर को छोड़ के किसी का भी लाभ नहीं हो रही है। 70 साल का आजादी के बाद 7% 8% वर्करों के जो लाभ मिल रही है, ये वर्क ये पूरा हिंदुस्तान के मजदूरों को कब मिलेगा? इसलिए पूरे वर्करों को पूरा लाभ मिलना चाहिए, ये जयपुर कन्वेंशन में भारतीय मजदूर संघ का निर्णय है। इसी तरह हमारा कई विषयों के ऊपर भारतीय मजदूर संघ ने टाइम टू टाइम लोग निर्णय लिया है। ऐसे भारतीय मजदूर संघ का निर्णय क्यों लेकर वर्कर सरकार के ऊपर दबाव लिया लाया है, उसी तरह माननीय सज्जन नारायण जी ने सेकंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर का सदस्य होने के कारण वाइस प्रेसिडेंट के नाते कई महत्वपूर्ण सुझाव उनके द्वारा दिया गया और डिसेंट भी नोट दिया गया जो वर्कर एंटी वर्कर्स के विषय को लेकर। और वो महत्वपूर्ण विषय जो सेकंड नेशनल कमीशन का है उस विषय का कोडिफिकेशन के विषय को लेकर हम आगे बढ़ाने को प्रयत्न किया, इस सरकार के ऊपर दबाव लाया, सब मिला के आज खुलकर लेबर कोड के सामने हमारे सामने आ रही है। और लेबर कोड के अलावा कुछ एक्ट में जो अभी इम्प्लीमेंटेशन में आ गया, जो अभी मैं बताया गया, और कई विषय है। ऐसा कुल मिलाकर आज जो सिचुएशन है हिंदुस्तान में मजदूर का फेवर में जो हो रहा है, वो जो बात बन रही है, इसके उसके आह्वान करते हुए आज कई विषय को लेकर हम लोग लड़ना चाहिए। आज जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स हम लोग देखा है COVID-19 के बारे में, COVID-19 के पीरियड में जो वर्कमैन का तनख्वाह नहीं मिला, जो लॉकडाउन पीरियड का, उस विषय को लेकर में हम लोग बहुत चिंतित है। अगर ऐसा विषय को लेकर आज तक कोई कानून में उसका प्रावधान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले देने के लिए बताया, और जो सरकार ने जो मालिक लोग नहीं देते उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए बोला, बाद में नहीं करने के लिए सरकार ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला, आज कई जगह आज मजदूरों को आधा तनख्वाह मिला, कोई मालिक लोग नहीं दिए, कल कोई मालिक लोग दिया, ऐसा कई विषय है। ऐसा गंभीर सिचुएशन हम लोग कैसे एड्रेस करना चाहिए, ऐसा प्रैक्टिकल सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं। और COVID-19 का आने के बाद जैसे आज हॉस्पिटलों में मरीजों को देखने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, आज वर्करों को बाहर जाकर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, लाखों रुपयों का खर्चा हो रही है। ऐसे हॉस्पिटल्स में केवल वो बेर मिनिमम मेडिकल फैसिलिटी का प्रोविजन है। आज ऐसे इमरजेंसी में ऑक्सीजन लगाने के लिए या वेंटिलेटर लगाने के लिए ऐसे सिचुएशंस नहीं है। ऐसे कई विषयों को लेकर आगे चल के हम लोग सतर्क रहेंगे। कलाबो लेबर कानून में जो परिवर्तन लाना और टाइम टू टाइम इसको अपग्रेड करना, ऐसे विषय को लेकर हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। इस सिलसिला में आज मुझे इस विषय को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए बताया गया। इस विषय का हमारे पास बहुत महारथी लोग हैं, मुझे बताया गया, पता नहीं है मैं कितना इस विषय के ऊपर मैं इसका न्याय किया मुझे नहीं मालूम, पर इस विषय को अभी मैं इसको समाप्त इस जगह मैं रुकना चाहता हूँ। इस विषय को लेकर कोई प्रश्न है मुझे पूछने के लिए अभी आप लोग प्रयत्न करें, जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं देने के लिए प्रयत्न करूंगा। अगर जिस विषय के ऊपर मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ, अध्यक्ष महोदय है उसका जवाब देंगे, ऐसा मैं आपको सामने रखते हुए मैं इधर विराम लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद मल्लेश्वरम जी। अभी 7 बज रहे, 58 हो गया, 6:58 हमारे लिए लगभग 20 मिनट का टाइम है, इसलिए मैं श्रीमान विनय जी से बात करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि ये प्रश्नोत्तर का आप चलाइए। किसी को कोई प्रॉब्लम है आप तुरंत मैंने किसी भी डाउट से आपने हाथ उठा सकते हैं, उठा सकते हैं। अभी मल्लेश्वरम जी ने अपने सामने जो विषय रखा है, इस विषय के संबंध में अगर अपने किसी कार्यकर्ता बंधु को अगर कोई संशय कोई केवल केंद्रीय कार्य समिति लोग ही पूछना है, बाकी लोग नहीं है तो क्या पूछे? केवल केंद्रीय कार्य समिति लोग ही बात करना है, बाकी कुछ लोग आकर आज आया है वो नहीं पूछना है। मल्लेश्वरम जी हम वाजपेयी बोल रहे हैं। उमेश विश्वास, पहले वाजपेयी जी, अपर बाद में उमेश विश्वास। वाजपेयी जी शुरू करिए। हाँ मल्लेश्वरम जी, आपने बीड़ी मजदूरों के विषय में जो बताया है, अभी सारे कंपनियां जो रजिस्टर कर रहे हैं मजदूरों को, उन्हीं को ये लाभ मिल पा रहा है। जैसे बिहार में 12 लाख बीड़ी मजदूर हैं, मात्र 1,90,000 बीड़ी मजदूर रजिस्टर्ड हैं, बाकी लोगों का क्या होगा, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। बीड़ी मजदूर में जो प्रोविडेंट फंड के बारे में पूछ रहे हैं आपने,
प्रोविडेंट फंड है, हाँ, वेलफेयर में जो मिलने वाली सुविधा है, तो रजिस्टर्ड जितने बीड़ी मजदूर हैं उन्हीं को सिर्फ मिलेगा। वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड वो करवाती हैं, बाकी जो अपने घरों पर बीड़ी बनाती है महिलाएं चाहे पुरुष, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। जैसे बिहार में 12 लाख बीड़ी मजदूर हैं, मात्र 1,90,000 का रजिस्ट्रेशन हुआ, बाकी का क्या होगा? नहीं, आप लोग, आपका जो विषय है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत गंभीर है। आज पूरे हिंदुस्तान में जितने भी बीड़ी वर्कर है, इसमें जो कारखाने के साथ जुड़े हैं वो लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, बाकी लोगों का नहीं हुआ। जो वर्कर प्रोविडेंट फंड का जो मेंबर है, जो पार्टी प्रोविडेंट फंड का मेंबर के ही ये पेंशन का लाभ मिलता है, इसी के लिए भारतीय मजदूर संघ का डिमांड है ये यूनिवर्सल होना चाहिए पेंशन का बेनिफिट। इसीलिए जो आने वाला जो सोशल सिक्योरिटी का कोड बनने वाली आगे चल के, इसमें सारे लोगों को कवर करते हुए आने वाले समय में जितने भी श्रमिक लोग हिंदुस्तान में हैं, सभी लोगों को मिलने का प्रयत्न ये लेबर कोड आने के बाद होने होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। सिचुएशन है ओनली कॉन्ट्रीब्यूट जो करते हैं प्रोविडेंट फंड को, उसी को ये लाभार्थी है। इसमें नेक्स्ट उमेश विश्वास। हाँ सर, उमेश सर, अभी जो मिनिमम वेज के रूल्स बनाए हैं, तो भारतीय मजदूर संघ ने जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो मेन रूल्स का ऑब्जेक्शन दिए हैं, उसका जरा बताइए सर, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत मुश्किल लग रहा है, इसीलिए भारतीय मजदूर संघ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए रूल्स में क्या ऑब्जेक्शन है सर? कौन सा विषय को लेकर? मिनिमम वेजेस के जो कोड है, अभी रूल्स आए हैं, वो सभी को होना मुश्किल है, तो भारतीय मजदूर संघ ने रूल्स में क्या ऑब्जेक्शन निकाले हैं जब सभी को लागू हो? नहीं नहीं, विश्व के आप पवन जी से बात करिए, उसको हम लोग फाइनल किया है ऑलमोस्ट। मैं बोलता हूँ, अभी अभी भारतीय मजदूर संघ ने अपना जो ऑब्जेक्शन है वो सबमिट नहीं किया है। अभी हम अपने जो कानून के जानकार कार्यकर्ता मित्र हैं अपने संगठन के, उनसे हम सलाह कर रहे हैं, उसमें हमारी बहुत सारी आपत्तियां हैं, खासकर परिवार की परिभाषा को लेकर के हमारी आपत्ति है, ट्रिपार्टाइट बोर्ड को लेकर के आपत्ति है, कैलोरीज को लेकर आपत्ति, हमारी बहुत सारी आपत्तियां उसको लेकर के है, इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आपत्ति है, जुडिशियल सिस्टम को लेकर आपत्ति है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अभी चर्चा करने के बाद जब फाइनल करेंगे तो उसकी कॉपी आपको देंगे, आपके पास कोई स्पेसिफिक सुझाव हो तो आप हमको भेज सकते हैं। यस सर, थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन है जी, कोई इसका हाथ उठाया? कौन नेक्स्ट? इंदु नायर। इंदु जी बहुत पूछिए। नमस्कार सर, मेरा एक क्वेश्चन है, जो हम एंटेनर में हम लोग रिटायर हुए हैं, जो हमारा ट्रस्ट है CPF ट्रस्ट है वो वजीरपुर शिफ्ट हो गया है, लोगों का ये कहना है कि क्या पेंशन टर्म हो सकती है हमारी CPF पेंशन? अब पेंशन दोबारा पूछिए, दोबारा पूछिए एक बार, इंदु जी दोबारा सवाल करिए। हमारा जो एंटेनर का ट्रस्ट है, जो CPF का ट्रस्ट है, वो शिफ्ट हो गया है वजीरपुर में। एमपीएनएल ट्रस्ट पहले एमपीएनएल में ही था, तो लोगों का ये गलतफहमी हो रही है कि क्या जो पेंशन अभी हमें मिलती थी तो वहां पे पेंशन क्या कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी? नहीं नहीं, मिलेगा मिलेगा, तो इसमें प्रोविडेंट फंड में इंदु जी कम तो नहीं होगा। इंदु जी ऐसा है, जो पेंशन फंड का जो सिस्टम है, अभी हमारा जो 8.33 आपका जो कंट्रीब्यूशन है पावर ऑफ वो पेंशन में जमा होता है, पॉइंट का जो आपका अकाउंट में जमा होता है 3.67 आपके अकाउंट में जमा होता है 12% में। इसमें अभी पेंशन का जो भी पैसा है वो CBT सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के साथ ही जमा है, प्रोविडेंट फंड का जो सेंट्रल बोर्ड है उसी अकाउंट में जमा है। इसलिए जो पेंशन का जो भी विषय है उसका ईपीएफ का जो कमिटी है, ईपीएफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ प्रोविडेंट कमिश्नर, वही उनका जिम्मेदार है। तो विषय को हम एक ही विषय को लेकर चाहिए, आप लोगों के पास जो पैसा कटा है, कभी हिंदुस्तान में जो एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट है, एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट लोग पैसा जमा नहीं करते। अभी तेलंगाना में रोड ट्रांसपोर्ट का एक
एग्जम्प्टेड ट्रस्ट है, लगभग 600 करोड़ रुपए भरना है, उसमें वर्करों का पेंशन का पैसा भी उधर जमा नहीं किया, और कई पब्लिक सेक्टर के भी मालिक लोग है, वो लोग सिक होने के कारण उसके बाद में वो जमा नहीं किया। और ये प्राइवेट में, अभी मैं वेस्ट बंगाल गया था, जूट इंडस्ट्री में बहुत सारे एग्जम्प्टेड ट्रस्टीज है, वो लोग पैसा जमा नहीं करते। ऐसे जो इंडस्ट्री में पैसा नहीं जमा किया, ऐसा लोगों का जो पैसा पूरा जमा करके वो कानूनी कार्रवाई के साथ प्रोविडेंट फंड के अथॉरिटीज वो जमा करेंगे, वो करा के आपका प्रोविडेंट फंड पेंशन का वो पेमेंट भुगतान करने का पूरा प्रयत्न प्रोविडेंट फंड का वो जिम्मेदारी है। एक दो क्वारी और है, वो मैं आपको बाद में फोन करके कंफर्म करूंगी। इंदु जी, एक बात आप समझ लीजिए, आपको पेंशन ईपीएफ की पहले भी वजीरपुर से ही मिलती थी, पीएफ ऑफिस से, आप भी वहीं से मिलेगी, और जैसे पहले मिलती थी वैसे मिलेगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। मेरा एक रिक्वेस्ट है, अरे एक मिनट भाई, सारे डे टू डे आपका ग्रीवेंसेस यहाँ पूछना है क्या? लेबर लॉस के बारे में पूछना है, लेबर लॉ क्या एफर्ट्स, वो छोड़ के साइड ट्रैक हो रहे, साइड ट्रैक मत हो ना इस विषय में। धन्यवाद। अगले नेक्स्ट, अगले कोई है? और नीलिमा चिमोटे, बाद में वेंकपना, वेंकपना एक हाथ उठा है क्या? मेरा भी है, राजबिहारी। ठीक है, पहले वो राजबिहारी जी, बाद में नीलिमा चिमोटे जी, ठीक है प्लीज। नमस्कार मल्लेशम जी। इसके कौन है ये, कौन PQ27 कौन है जी, नाम सुन? ये अभी जो कोडिफिकेशन हो रहा है लेबर लॉज का, और 4 करोड़ बन रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि 44 सेंट्रल लेबर लॉज है, और 4 जो कोड हैं, इनमें जो हम जितने लेबर लॉज उसमें इंक्लूड होंगे, उनकी जो टोटल संख्या है वो 44 नहीं आती है। तो कुछ लेबर लॉज जो इन कोड्स में नहीं आएंगे, क्या वो लैप्स होंगे या वो अलग से लागू होंगे, उनकी क्या पोजीशन रहेगी? जैसे अपना वेज कोड है, इसमें 4 लेबर लॉज हैं, 4 लेबर लॉज हैं। इसी तरह सोशल सिक्योरिटी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, उसमें 15 लेबर लॉज हैं। इस तरह से इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है, उसमें 13 लेबर लॉज हैं, और इसी तरह से ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन वाला जो है, उसमें 3 लेबर लॉज है। आईआर कोड में केवल 3 है। हेलो हेलो भाई साहब, क्लियर? राजबिहारी जी, आईआर कोड में केवल 3 लेबर लॉज है। कट गया, ठीक है। हेलो राजबिहारी, हाँ बोलिए। IR कोड में कितना बताया था आपने? 13 ही मेरे ध्यान में आया। नहीं, तीन। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में है ना, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में 13 है। 13 है, और IR कोड में 3 है जी, तो ये 35 ही हुआ। ये तो नहीं, ऐसा ऐसी कुछ अनइम्प्लॉयड 44 लेबर लॉज जो है, उनमें से 35 लेबर लॉज तो कोडिफाई हो जाएंगे। ये 9 लेबर लॉज का क्या होगा? वो कौन से लेबर लॉज हैं जो कोडिफाई नहीं होंगे, और उनका वो क्या अलग से लागू होंगे या लेफ्ट कर दिए जाएंगे? ऐसा है कुछ लेबर लॉज ऐसा है, कुछ लेबर लॉज ऐसे बॉन्डेड लेबर एक्ट है, मान लीजिए। हेलो, आप बोलते जाइए मलेशम जी, आप बोलते जाइए। हाँ, कुछ लेबर लॉज ऐसा है, बॉन्डेड लेबर एक्ट है, या वीकली ऑफ्स के बारे में एक एक्ट है, ऐसा कुछ एनैक्टमेंट्स है, अनइम्पॉर्टेंट है। अभी ये कोडिफिकेशन कुछ सेस्का का एनैक्टमेंट है, कुछ एनैक्टमेंट ऐसे सेस कलेक्शन के बारे में ही कुछ लेबर लॉस लाया गया है सेस कलेक्शन के बारे में। ऐसा ये प्रोमोलगेशन करने के बाद ऑलमोस्ट ऑल लेबर लॉस आर बीइंग कवर्ड, कुछ अनइम्पॉर्टेंट का रहेगा ये कोडिफिकेशन के बाद में। ऐसा अगर हम लोग अपना अगर नॉलेज में आएगा, हम उस किसी में एडजस्ट करने का प्रयत्न हो जाएगा। अच्छा राजबिहारी जी, मलेशम जी, ये 9 जो एक्ट बता रहे हैं, ये जो 800-850 कानून सरकार ने समाप्त किए थे, उनमें समाप्त हो गए हैं अभी कुल मिलाकर ये 35 कानून ही मर्ज होंगे,
प्रैक्टिकली वो नौ कानून पहले से लैप्स हो गए, समाप्त हो गए पहले से। हाँ हाँ, तो अब अपने को ये बोलना चाहिए कि 35 सेंट्रल लेबर लॉज हैं जो कोडिफाई होंगे। राजबिहारी जी, आज एक सरकार के तरफ से, लेबर सेक्रेटरी के तरफ से एक बयान कई बार आया है 44 लेबर लॉज के नाम पे चल रही है। वही एक प्रॉब्लम है, इसीलिए हम लोग अगर सही बात है। नेक्स्ट नीलिमा चिमोटे, इसके बाद में प्रकाश सोनी। नीलिमा जी नमस्ते। मल्लेशम जी, मेरे दो सवाल है। एक पहला सवाल ये है कि अभी बदलती परिस्थितियों में जो हमारा ट्रेड यूनियन एक्ट जो स्वातंत्र से पहले 1926 में इम्प्लीमेंट किया गया था, तो इस अभी हालात की परिस्थिति में या आईएलओ के अलग अलग कन्वेंशंस के रहते हुए उसमें सुधार लाना जरूरी है क्या? एक पहला सवाल है। और दूसरा, मतलब अगर सुधार लाना है तो किस चीजों में उसमें सुधार लाना होगा, ये मेरा पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है कि जो ईडीएलए स्कीम के अंतर्गत 3,50,000 जो बीमा का संरक्षण मृत्यु पश्चात हमारे बीएमएस के प्रयासों से 6,00,000 हुआ है ऐसा आपने कहा, तो क्या इसमें केवल मृत्यु का ही प्रावधान है या एक्सीडेंट वाला भी प्रावधान है? ये दो मेरे सवाल है, धन्यवाद। ऐसे में पहली बार है, अभी जो इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है, आईएलओ का कन्वेंशन है, रेटिफिकेशन है, ये अपना जो हिंदुस्तान में भी कई कमिटीज गठन हुआ है, कमीशन गठन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, लेबर ट्रेड यूनियन का भी डिमांड रहा है ऐसा, और सरकार का जो बनती सरकारों का भी खुद अपना विचार भी है मजदूरों के प्रति, आम जनता के प्रति, ऐसे कुल मिलाकर ट्रेड यूनियन भी एक बहुत प्रमुख अंग के नाते कई विषयों के ऊपर टाइम टू टाइम इसके ऊपर चर्चा आई है। भारतीय मजदूर संघ के तरफ से भी हम कई विषय इस विषय को लेकर कई बार भारत सरकार के साथ हम लोग चर्चा भी किया है, विज्ञापन दिए हैं। इसमें हम लोग प्रमुखता ऐसा ये विषय मानते हैं, आज जो वेज कोड के बारे में हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, पवन जी और आप भी इसमें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इस वेज कोड का बहुत प्रमुखता से भारतीय मजदूर संघ ले रही है, इसलिए वेज कोड का अगर लागू हो जाएगा ये यूनिवर्सल और इम्प्लीमेंटेशन होने के कारण सारे हिंदुस्तान में एक ही तरह का वेज बनने वाली है। आज जो हिंदुस्तान में एक वेज कोड आने का बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो इंटरनेशनल कन्वेंशन और रेटिफिकेशन का और दूसरा स्टेट देशों में जो वेजेस है उस कंप्यूटर में हम लोग इसको चर्चा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। दूसरा विषय अभी ने आपने बताया सोशल सिक्योरिटी का, आज सोशल सिक्योरिटी के विषय में भी हम लोग जानते हैं ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ वर्कर्स आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द वेरियस सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। ये लेबर सिक्योरिटी का जो लेजिस्लेशन आज हिंदुस्तान में है विच इज ओनली प्रोटेक्टिंग ओनली सम एक्सटेंट ओनली, इसलिए हमारा जो डिमांड है ये सारे यूनिवर्सल होना चाहिए, माने सारे मजदूरों का उसका कवरेज करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा जो आजादी के पहले से आज आजादी के बाद जो भारतीय मजदूर संघ का नारा है या दूसरा संगठन का है, आम वर्करों का डिमांड है, ये सारे विषयों को हम लेकर इसको लागू करने का हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। दूसरा विषय आपने जो ईडीएलए के बारे में जो बताया, जो ईडीएलए स्कीम है वो एक्ट नहीं है, ये ईपीएफ का जो एक भाग है उसमें प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉइज एक्सटेंशन प्रोविजंस एक्ट 1950 ईडीएलए, वो ईडीएलए के स्कीम के तहत 3.5 लाख का देने का एक स्कीम था अंदर डेथ ऑफ एम्प्लॉय मेंबर, 3.5 लाख का अपना जो कार्यकर्ताओं का प्रयास के कारण हुआ है, माने वो बेस्ड ऑन द डिपॉजिट ऑफ द प्रोविडेंट फंड में मेंबर का जो डिपॉजिट है उसके ऊपर वो हिसाब करते हैं, माने वो नेचुरल डेथ भी होने दीजिए या एक्सीडेंटल डेथ भी होने दीजिए, इन द केस ऑफ डेथ वो मिलता है। इसके पहले मैंने एक विषय ने भी बताया, वो मिनिमम 2.5 लाख का ऐसा कोई मिनिमम गारंटी बेनिफिट नहीं था, ये पहली बार हिंदुस्तान में अपना कार्यकर्ताओं का जो सुझाव था उस सुझाव के कारण ही वो 2.5 लाख का मिनिमम प्रोविजन लाया गया, माने अगर जीरो बैलेंस भी है प्रोविडेंट फंड में उसको 2.5 लाख मिलेगा, ऐसा विषय लाया गया, ये वो हिस्टोरिकल कदम है। मैं दूसरा विषय भी मैं बताया था ग्रेचुटी एक्ट में भी, ग्रेचुटी एक्ट का भी जो सीलिंग 10 लाख था वो 20 लाख हुआ है,
नहीं नहीं मेरा सवाल है मृत्यु पश्चात ऐसा नहीं, मेरा सवाल था कि कामगार अगर अपंग हो जाता है, दिव्यांग हो जाता है तो उसके लिए में नहीं है जी। हाँ, उसकी में नहीं है जी। और प्रकाश सोनी, प्रकाश जी ये PQ-27 आपका है ना? प्रकाश सोनी जी ठीक है, नेक्स्ट जाइए। और कौन प्रश्न है? हाँ जी नमस्कार। और सोनी जी, प्रकाश जी आ रहे, बात करिए। मल्लेशम जी नमस्कार। आपने जो अभी वक्तव्य दिया उसके अंदर बोनस पेमेंट के बारे में कुछ बातें कही थी, और उसके अंदर ऐसे कि बोनस टू ऑल, ये अपना BMS की पहले से डिमांड थी, और इसके तहत अभी सरकार ने बोनस की सीमा तथा सैलरी ये दोनों को बढ़ाया है, लेकिन जिसकी तनख्वाह 21,000 के ऊपर है उनको बोनस 0 मिलता है, लेकिन हालांकि वो भी वर्कर है। तो मेरे ख्याल से एक प्रकार की नई एक डिमांड अपनी होनी चाहिए कि तनख्वाह कितने भी हो लेकिन मिनिमम इतना बोनस हर वर्कर को मिलना चाहिए। इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते। अभी वेज कोड में इसका हम लोग डिमांड कर, रिक्वेस्ट करेंगे, उसमें डिमांड लगाएंगे। पवन जी से भी आग्रह करेंगे, उसमें जोड़ देंगे उसको बोनस टू ऑल। ओके ओके धन्यवाद पवन जी, थोड़ा इसके ऊपर आपका रिएक्शन दीजिए थोड़ा। नहीं कुछ नहीं, थोड़ा एजिटेशन करने दो भाई उन लोगों को, बोनस चाहिए करके रास्ते में उतरना लाए या कोई कुछ नहीं करेगा क्या? आंदोलन ऐसे थोड़ी लाइन कर देंगे, पहले कुछ लड़ाओ बाद में देख लेंगे। और कोई लड़ाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कैसे होता प्रकाश जी, रास्ते में आना। नेक्स्ट कौन है, अगले कौन बात करना चाहते है, प्रश्न पूछना चाहते है, किसी को प्रश्न है? आप इसको म्यूट अनम्यूट करके कुल दे भैया। घनश्याम कौन है? घनश्याम जी कुछ बोल रहे। घनश्याम पांडे जी टेक्सटाइल्स, बताइए सर। भैया बताइए घनश्याम जी, ये घनश्याम पांडे अनम्यूट करो। घनश्याम पांडे जी आप अनम्यूट करके बात करिए। इसमें 5 सेक्टर हमारा मिनिमम वेज में गाइड होता था, तो उसके बाद अभी एक सेक्टर जो छूट रहा है, आपको कहीं पर भी उसका नोटिंग नहीं दिखाई दे रहा है, शैक्षणिक संस्थान का, उसमें जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो तो मिनिमम वेज से गाइड हो जाते हैं, लेकिन जो बीएड से जो हाईली क्वालिफाइड है टीचिंग स्टाफ है उनका कहीं पर में कोई जिक्र नहीं है, थोड़ा इसको देखना है। टीचिंग स्टाफ है ना? हाँ, टीचिंग और टीचिंग दोनों को देखना है। ऐसा है, अभी जो मिनिमम वेज एक्ट का जो मिनिमम वेज एक्ट 1948 में के हिसाब से शेड्यूल्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो शेड्यूल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ही उस कवरेज है आज के दिन। मैंने यही बता रहा था, अभी शेड्यूल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को बाजू रख के ऑल द वर्कर्स, अगर वर्कर्स का डेफिनेशन में आ जाएंगे दे विल बी कवर्ड बाय द मिनिमम वेज कोड में। वो टीचर्स टीचिंग स्टाफ वर्कमैन का डेफिनेशन में आएंगे क्या अंडर वेज कोड, वो देखना है हम लोग। सबसे पहले तो इसको जब तक इंडस्ट्री नहीं मानते तब तक वो नहीं जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1988 में इस पर जजमेंट दिया है, टीचर इज नॉट ए वर्किंग, ये उस डेफिनेशन में नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। किंतु अभी 10 दिन पहले एक जजमेंट मद्रास हाई कोर्ट का आया है, प्राइवेट स्कूल ESI में कवर हुए, सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है देखना है, किंतु अभी तक सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा के अनुसार वो वर्किंग कैटेगरी वर्कर की कैटेगरी में नहीं आएंगे। पवन जी
ईएसआई का जो कवरेज प्राइवेट स्कूल के जो है नॉन टीचिंग स्टाफ को छोड़, नॉन टीचिंग स्टाफ ओनली आर कवर्ड एज ईएसआई नहीं, स्कूल में टीचर और नॉन टीचिंग और नॉन टीचिंग रहेगा ना स्कूल में के लिए आया मद्रास हाई कोर्ट जजमेंट, किंतु अभी सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या कहेगा ये देखना है, पर टीचिंग और नॉन टीचिंग। ठीक है, आगे बढ़ आगे जाइए। नेक्स्ट घनश्याम पांडे जी, घनश्याम पांडे नहीं सर, हाँ मैं बोल रहा हूँ, बोलिए बोलिए तो बोलिए बोलिए। ये प्रोफेशनल टैक्स के विषय में, प्रोफेशनल टैक्स के विषय में क्या प्रावधान है? प्रोफेशनल टैक्स जो स्टेट एक्ट है भाई साहब, कुछ राज्यों में प्रोफेशनल टैक्स है कुछ राज्यों में नहीं है, वो स्टेट ज्यादातर राज्य में करना। अच्छा ओके, नहीं ग्रीवन सारा आप डायरेक्टली फोन करके पूछ लीजिए वकील लेवल। आखिरी प्रश्न है, कोई और कौन पूछ सकता है? अनम्यूट करके बात करिए। अंजलि नहीं, मैं बात कर सकती हूँ? नीता चौबे जी बात करिए। नमस्ते, नमस्कार नमस्कार। अभी कोडन वेजेस के बारे में तो हम जानते हैं, लगभग पूरी कार्रवाई हो चुकी है और अभी वो इम्प्लीमेंट होने वाला है। मेरा सवाल ऐसा था कि सोशल सिक्योरिटी का जो कोड हमारे कामगार के हित में है, उसके बारे में वो कब तक आएगा, ये हमें कुछ अंदाज है क्या? और इसकी कमियां के बारे में हम लोग, हमारा प्रयास कैसे चल रहा है या क्या करना है हमें? अध्यक्ष जी, एज कोड में जो किए वो नहीं नहीं, वो अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी के रिपोर्ट भी आ गया, उसका रीड्राफ्टिंग कर रहे सरकार और फिर सीधा पार्लियामेंट में वो प्रस्तुत करेंगे, उस समय हमको जानकारी मिलेंगे क्या है, प्लस है क्या माइनस है, क्या क्या परिवर्तन किया है, इस तरह उसी समय जानकारी मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। विनय जी हाँ, हो गया ना प्रश्नोत्तर का टाइम हो गया। चलिए धन्यवाद, आप लोगों ने जो प्रश्न किया बहुत अच्छा प्रश्न हुआ और सबका समाधान भी मलेशम जी ने अच्छा दिया। और मलेशम जी का धन्यवाद, मलेशम जी हाँ पवन जी ने भी बीच बीच में किया है, लेकिन मलेशम जी ने जिस विषय का मार्गदर्शन किया हम सबों के लिए बड़ा उपयोगी रहा, खास करके जो अपने प्रदेश के महामंत्री, उद्योगों के जो महामंत्री हैं कई, ये कोर्ट के बारे में इतना हमको अध्ययन का शायद समय नहीं मिला होगा, तो इन्होंने बड़े विस्तार से सभी विषयों को रखा है, इसलिए मैं मलेशम जी को धन्यवाद देता हूं। आप सभी कार्य समिति के सदस्य लोग कल की अपेक्षा अच्छी उपस्थिति हुई, इसलिए आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। अपने फेसबुक यूट्यूब पर जितने अपने दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वे सभी 4183 हैं और भारतीय 4183 लोग अभी लीडरशिप में हैं। हाँ ये सभी 4000 वेरी गुड। भारतीय मजदूर संघ का यह प्रयास है कि 7 दिन के हम लेक्चर सीरीज में विभिन्न विषयों के एक्सपर्ट्स को हम ला करके और हम आम मजदूरों तक यह पहुंचाना चाहते हैं कि कोई ये मजदूरों के विषयों पर सरकार की जो पहल है, हमारी जो पहल है, इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं रहे। ये केवल भारतीय मजदूर संघ ने ही ऐसा एक प्रयास किया है कि पूरे देश के मजदूरों को हम इस प्रयास से लाभान्वित करें, इसलिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और अब मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अपने माननीय उपाध्यक्ष श्रीमान हिरण्मय पांडे जी, अध्यक्ष जी का पहले मैं एक सूचना दे देता हूँ, बाद में देना अच्छा नहीं रहता है। कल का भाषण जो है श्रीमान अरुण मायरा जी, वो लेबर इकोनॉमिक्स और फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, इस विषय के बारे में उनका कल भाषण रहेगा। वो इसका पहले पुराना
वो जो है प्लानिंग कमीशन मेंबर है, कुछ इंडस्ट्रीज में था, अभी लेबर का वेलफेयर के बारे में बहुत सोचने वाला एक अच्छा व्यक्ति है, उनका भाषण रहेगा। मगर मेरा आग्रह है, एक ही अनुरोध है, कल केवल केंद्रीय कार्य समिति का लोग ही, माने केंद्रीय पदाधिकारी लोग, स्टेट जनरल सेक्रेटरी, बाद में फेडरेशन जनरल सेक्रेटरी, हमने दो हमारा सीनियर कार्यकर्ताओं को इन्वाइट किया है, श्रीमान अमरनाथ डॉक्टर जी, अशोक भाई जी और क्षेत्रीय संगठन मंत्री उद्योग प्रभारी, यही लोग जूम में आना है, बाकी सब लोग आप लोगों ने फेसबुक पे देखना है। मैं अभी देख रहा था फेसबुक का कितना हुआ करके, अभी फेसबुक पर लेटेस्ट जो डाटा है 6955 मेंबर्स रीच है लेटेस्ट। तो इसीलिए मुझे क्या लगता है, आप लोग कृपया जो जो खास करके आसाम क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बहुत लोगों को, लोकल लोगों को भेजा है लिंक, आज दिन सबको हमने स्वागत किया है, थोड़ा कल मुझे लगता है आप ही उसको रोकना अच्छा रहेगा। 100 लोगों के बाद में ये रिजेक्ट कर देता है, आज लगभग 13 लोग रिजेक्ट हो गए हैं ओवरलोड के कारण, ये एक ध्यान में रखिए। बस इतना ही मैं सूचना देके माननीय अध्यक्षता कर रहे श्रीमान हिरणमय पंड्या जी को अध्यक्षीय भाषण करने के लिए बोलता हूँ। पंड्या जी के भाषण के बाद विनय कुमार सिन्हा जी वोट ऑफ थैंक्स बोल। एक बात है, कल जो अरुण मेहरा जी विषय रखेंगे, वो अरुण मेहरा जी अभी देश में सबसे नॉन इंटरनेशनली नॉन लेबर एक्सपर्ट है लेबर के बारे में, इसलिए वो जरूर सुनना है, एक बहुत सबसे बड़ा एक्सपर्ट को हमने लाया है, इसलिए इसका मैक्सिमम फायदा हम लेना है। ठीक जी, सभी को नमस्कार। हमारे साथ आज है अपने भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष मान्य श्री सज्जनारायण जी, अपने भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय महामंत्री मान्य श्री ब्रजेश जी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री मान्य सुरेंद्रन जी, और आज संचालन किए ऐसे हमारे मंत्री श्रीमान सिन्हा जी, और आज के अपने प्रमुख वक्ता और अपने ही उपाध्यक्ष श्रीमान मलेशियम जी, सभी एवं ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु भगिन, मेरे लिए भी आज गौरव का विषय है कि अपने अध्यक्ष होते हुए भी जैसे एक उपाध्यक्ष मलेशियम जी को मौका मिला है, ऐसा मुझे भी मौका मिला है, इसीलिए पहले आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। खास तौर से आज का विषय हमारी वार्ता की श्रृंखला में आज दूसरा दिन है जिसमें हमें अपने जो कानून आने वाले हैं उसमें सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, इसके बारे में अपने वक्ता माननीय मलेशियम जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से और एक सुचारू रूप से हम सबके बीच में रखा है और हम सबके बीच में समझ में आ जाए ऐसी भाषा में उन्होंने रखा है। कुछ लोगों के मन में था कि तेलंगाना हैदराबाद से मलेशियम जी होते हुए हिंदी में स्पष्टता नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा प्रयास करते हुए बहुत अच्छी तरह से अपने हिंदी में भी अच्छी तरह से बात को रखा है। मैं देख रहा था कि बहुत ही कम उन्होंने अंग्रेजी भाषा के दो चार शब्द लिए हैं, तो इसीलिए उन्होंने अच्छी तरह से हम सबके समझ में आए इस प्रकार से किया। और उसके बाद जो प्रश्नोत्तर हुआ उससे साफ नजर आता है कि हम सब के विषय समझने के बाद ही हमारे मन में कुछ संशय था, हमारे मन में कुछ प्रश्न उठे हैं, जो जिज्ञासा थी उसका समाधान हो और जिसका हम सबके लिए कोई और जानकारी अधिक प्राप्त हो वो भी उन्होंने अच्छी तरह से देने का प्रकट किया है। ये विषय की श्रृंखला हम सबके लिए जानकारी अधिक से अधिक दे, जैसे अभी माने सुरेंद्र जी ने जानकारी दिया, इसीलिए करीब 5000 के आसपास बाहर के व्यूअर्स भी, बाहर के मतलब इस केकेएस के बाहर ऐसे, तो ऐसे लोग सारे अपने इसको देख रहे हैं और इसके लिए भी ये जानकारी का अच्छा विषय बना। ये सारा जानकारी का ही देने का अपना एक भाग था और इस भाग के जरिए आज की तारीख में जो लोगों के मन में भी दो विषय अलग अलग चल रहे थे कि इसके क्या फायदा है या नहीं है और उसके क्या है, लेकिन कई लोग हम कहते हैं सालों से कि इस कानून में बदलाव आने चाहिए, माने मलेशियम जी ने पहले से ही बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह से पुराने कानून की आवश्यकता है बदलाव लाने की, और उस बदलाव के आज
इतने सालों के बाद कुछ न कुछ आ रहे हैं। कई कानूनों को 100 साल हो रहे, कई कानून को 70 साल हो रहे, और ऐसे ही इस तरह से बदलाव की आवश्यकता में जब बदलाव आ रहे हैं तो कुछ प्रमुख बिंदु ऐसे हैं जो हम चाहते थे, यानी भारतीय मजदूर संघ अकेला ही इस प्रकार से चाहता था कि सभी मजदूरों को उसका फायदा हो, खास तौर से असंगठित क्षेत्र के लिए, मजदूरों के लिए। तो ये भी कुछ फायदे वाली बात उसमें जोड़ी है, आई है, ये भी हम सबके सम्मुख स्पष्ट हुई है। और उसके चलते हुए इस कानून में बदलाव के कारण कुछ ऐसी बातें भी आएगी जो हमें कुछ उसके लिए विपत्ति है या आपदा है या उसके लिए हमें उसका संशय है तो उठाना पड़ेगा। तो ये भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार से भी हम लोग स्पष्ट करेंगे। कुल मिलाकर इस अपने सारे विषय में जो हमें अपेक्षा थी, उस प्रकार से आपके वक्ता ने हमारी अपेक्षा को पूर्ण किया है, ऐसा मुझे लग रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से हम सबके पास जो जानकारी आई है, आने वाले और दिनों में भी इस जानकारियों को हम लोग अधिक से अधिक मात्रा में, आज जितने व्यूअर्स है उसने भी अधिक लोगों के पास किस तरह से पहुंचाते हैं, और ये जानकारी पहुंचते उसमें से जो संशय जिज्ञासा उनकी भी समाप्त करें, और इसका फायदा जो है वो हम लेने की कोशिश करें, और उसके जो नुकसान है उसको हटाने की कोशिश करें, और इस प्रकार से जो हम चाहते हैं इस प्रकार से इस श्रद्धेय दत्तोपन जी के जन्म शती वर्ष में भी जिन अपने श्रद्धेय दत्तोपन जी का सपना था वो सपना अपने पूर्ण कर सके, क्योंकि वो कहले पहले से कि हम केवल प्रतिनिधित्व कर रहे हैं 6-7% लोगों का, तो अब ये हो सकता है कि इनकी प्रश्नों का वाचा देते हुए 94% लोगों के प्रति भी हम इस प्रकार से पहुंच सकते हैं, ऐसी मुझे आशा है। इस प्रकार से आप सभी से भी अपेक्षा करते हुए कि इस श्रृंखला का लाभ लेते हुए हम सब अपने अपने क्षेत्रों में जाके भी उसका और उसका प्रचार प्रसार करेंगे और सभी को लाभान्वित करेंगे, इसी उम्मीद है। इतना ही कहते हुए आज का इस पर सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ, खासतौर से मलेशियम जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने अच्छी तरह से हम सबके बीच में बिंदु रखे हैं, और हम सब इसी श्रृंखला में इस प्रकार से माननीय सुरेंद्र जी जैसे घोषणा किया है आने वाले दिनों में भी सहभागी होंगे और इस प्रकार से इनसे लाभान्वित होंगे। इतना ही धन्यवाद, सभी को नमस्कार। मेरा तरफ से भी सभी लोग नमस्कार। नमस्कार, एक मिनट रुकिए सब लोग रुकिए। और फेसबुक में बहुत लोगों ने उनका प्रश्न पूछा है, उसमें एक मेजर प्रश्न है मिनिमम वेजेस के बारे में। बाकी जैसे हमारा जम्मू कश्मीर का लोग कुछ प्रश्न पूछा है, हमारा ईपीएफओ का जम्मू का सीपी इसका अलग अलग हो गया, ऐसे क्या करना है, इस तरह का कुछ स्थानीय लेवल पर मुद्दा बहुत लोगों ने उठाया, लगभग 17-18 लोगों ने प्रश्न इसी तरह का उठाया है। मुझे एक ही रिक्वेस्ट में जो लोग उन लोगों ने बात किया है, प्रांत के लोग कुछ स्थानीय लेवल पर जो प्रश्न उठाया है उसके लिए आप लोग भी कुछ उत्तर देने से अच्छा रहेगा। इसलिए फेसबुक लाइव में आप लोगों ने एक बार कमेंट्स स्क्रॉल किया तो ऐसे सभी प्रश्न उसमें आता है। मुझे लगता है सभी, मैं देख रहा था बाजू में उसका इसका दो लोगों का, केवल मिनिमम वेजेस का गारंटी बारे में कंफर्मेशन आपका विषय में आ गया है, तो ये विषय भी उन लोगों ने पूछा है। कुछ लोग वे कोर्स के बारे में पूछा है वो भी इधर आ गया है, ऑर्डिनेंस के बारे में भी पूछा था उसमें भी क्लियरेंस आया है। इसीलिए मैं सभी जो फेसबुक लाइव लोगों से बात करता हूँ, थोड़ा मलेशियम जी का भी आप लोगों ने प्रश्न पूछ सकते हैं, या बीएमएस में अलग अलग जो लेबर के ठीक है, ब्रेक लग गया उनका, सुरेंद्र जी का कुछ आवाज कट गया जी, आपका आवाज कट गया। सुरेंद्र जी का डिस्कनेक्ट हो गया, सुरेंद्र जी का आवाज कट गया। टीना जी समाप्त कर सकते हैं? हाँ जी जी, समाप्त कर दीजिए। सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना, राधे राधे। ठीक है जी, नमस्कार सभी, धन्यवाद सबके लिए, नमस्कार, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जी नमस्कार, भारत माता की जय, जय जय जय। सुरेंद्र प्रजापति जी, सुरेंद्र पाल प्रजापति जी, कल आप फेसबुक में जाइए,
केएस की उपस्थिति ठीक रही सुरेंद्र जी ना जो अंजलि क्या नींद कर रही है अंजलि